नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है हर्ष द्विवेदी और मैं आपको स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात चल रही है लक्ष्मीकांत में इसमें आता है एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में स्टैब्लिशमेंट ऑफ सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सी बी कंपोजिशन ऑफ सी इन तीन चीज़ों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा और अगले में फंक्शंस प्रोविजन ऑफ प्रायर परमिशन क्या है सी बी वर्सेस स्टेट पुलिस सी बी इन सब चीज़ों को कवर करूँगा तो दो वीडियोज में जो पूरा का पूरा सी वाला टॉपिक है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा सबसे पहले बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कब बनाया गया इसको सेटअप किया गया 1963 में थ्रू अ रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रेजोल्यूशन के थ्रू बनाया गया था तो ऑब्वियसली शुरुआत में ये एम के अंदर था बाद में ये मिनिस्ट्री ऑफ परसोनल के अंदर चला गया और अब ये एक अटैच्ड ऑफिस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंदर सीबीआई काम करता है ओके okay. और कौन से डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है तो अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है सीबीआई से रिलेटेड हालांकि सीबीआई रिसेंटली न्यूज में नहीं है तो वो उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं होता है बट सीबीआई जब भी न्यूज में रहता है तो ऑटोमेटिकली पुलिस में इस तरीके की इंफॉर्मेशन काम की हो जाती है उसके बाद स्पेशल पुलिस स्टेब्लिशमेंट स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट को जो कि विजिलेंस केसेस को देखाता था इसको सेटअप किया गया था 1941 में ये भी बाद में किसके साथ मर्ज कर दिया गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ अभी के लिए दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट वाली सर्विसेज को ना काफ़ी हद तक सीबीआई के साथ जोड़ के देखा जाता है सी के रिकमेंडेशन को किसके थ्रू रिकमेंड किया गया था तो संथनम कमेटी बनाई गई थी ना ऑन द प्रवेंशन ऑफ करप्शन नाइनटीन से सिक्सटी

सीबीआई किसी भी एक्ट के थ्रू नहीं बनी है ये अलग बात है कि सीबीआई की ताकत दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर लिखी हुई है लेकिन सीबीआई का एग्जिस्टेंस इस एक्ट की वजह से नहीं है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर सीबीआई की ताकतें जरूर लिखी हुई हैं लेकिन सीबीआई का एग्जिस्टेंस वजह से रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वजह से और अभी के लिए सी बी आई एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिस और अटैच्ड ऑफिस काम कर रहा है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल ठीक है भाई ये जो सीबीआई है ये एक मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट था ना नाइनटीन फोर्टी सिक्स का दोस्तों ओके इस ये बेसिकली कुछ स्पेशलाइज्ड फोर्सेस होती हैं देखिए दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्बलिशमेंट

स्पेशल पुलिस स्टेबलिशमेंट 1946 के अंदर जो ताकतें हैं वो सीबीआई के पास हैं बट सीबीआई आता डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोल एंड ट्रेनिंग के अंदर है मिनिस्ट्री ऑफ के के अंदर अंदर डीओपीटी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी कह कह लीजिए लीजिए ऑफिस जो बोल लीजिए ठीक है भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सीबीआई का किस चीज में फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड मेंटेनिंग इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से चले एडमिनिस्ट्रेशन में किसी प्रकार का करप्शन ना हो ये काम है किसका ये काम है भाई सीबीआई का और ये सीबीआई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी मदद प्रोवाइड करता है लोकपाल को भी मदद प्रोवाइड करता है लेकिन याद रखिएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और सीबीआई के कामों में फर्क है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है जो मुंबई टेरर अटैक जो हुए थे 2008 में जब वहां पे सीबीटी स्टेशन और मुंबई साउथ मुंबई की जो पौध जगह है वहां पे तड़तड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी थी तो मुंबई टेरर अटैक 2008 के बाद बनाया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेररिस्ट अटैक्स फंडिंग ऑफ़ इकोनॉमिक को रोकता है सीरियस एंड अनऑर्गेनाइज क्राइम सॉरी सीरियस एंड ऑर्गेइज क्राइम को रोकता है जो कि टेररिज्म की परिभाषा में नहीं आते नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टेररिज्म से रिलेटेड हर चीज को रोकता है ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकना सीबीआई का काम है बट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टेररिज्म के अलावा जहां पे कोई भी चीज टेररिज्म से रिलेटेड हो गई वहां पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्ले में आ जाएगी उसके अलावा इकोनॉमिक ऑफेंसेस कह लीजिए करप्शन बोल लीजिए हर चीज इसके एम्बेट के अंदर चली जाती है सीबीआई के एम्बेट के अंदर चली जाती है फिर बात की जाए मोटो क्या है सीबीआई का इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी कोई बात नहीं विजन क्या है विजन यह है कि भारत के संविधान को इंप्लीमेंट करना है जो हमारे देश के लॉज हैं लॉज ऑफ द लैंड हैं उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है तो उन लॉज ऑफ़ द लैंड के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होगा उन लॉज ऑफ़ द लैंड के हिसाब से जो भी ऑफेंसेस जिस समय पे भी हुआ है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी पर्सन को प्रोसिक्यूट किया जाएगा लीडरशिप और डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा सी पुलिस फोर्सेज को सी इंटर स्टेट जो क्राइम्स हैं इंटरनेशनल कॉपरेशन है इन सब में एक मेजर रोल प्ले करेगा लॉ इन्फोर्समेंट करेगा ये अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर सी के लिए बता के रखी है ये तो विज़न क्या है सीबीआई का सीबीआई का विज़न है कि भाई डेवलप प्रोफेशनलिज्म ट्रांसपेरेंसी एडेप्टबिलिटी टू चेंज एंड यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि भैया प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे तो जो भी इंसान सीबीआई में रिक्रूट हो रहा है वो प्रोफेशनल तरीके से काम करेगा एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सर्वेंट की तरह काम नहीं करेगा हालांकि ये बोलना गलत है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से काम करने वाले लोग बहुत काम करते हैं ट्रांसपेरेंसी होगा सीबीआई के कामों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रयोग से सीबीआई काम करेगा

हाई टेक्नोलॉजी वाले क्राइम से लड़ने की टेक्नोलॉजी लेके आना एक हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट को बनाना जहाँ पे सी के अंदर अलग अलग जो यूनिट्स हैं अलग अलग जो एम्प्लॉज़ हैं वो एक दूसरे के साथ टीम बिल्ड करके काम कर सकें एक दूसरे को काम करने में मदद कर सकें म्यूचुअल ट्रस्ट का इन्वायरमेंट होना चाहिए और कहीं ना कहीं सी को बैक एंड से जो स्टेट के पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से उनकी मदद करनी है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की मदद करनी है ताकि नेशनल और इंटरनेशनल कोपरेशन हो सके प्रॉपर तरीके से केसेस का इन्वेस्टिगेशन हो सके नेशनल और ट्रांसनेशनल जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं जैसे गन्स की स्मगलिंग बम्स का मूवमेंट इस तरीके की चीज़ों को रोकर सा सके कोई रैकेट चल रहा है लड़कियों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का कोई रैकेट चल रहा है मगर बच्चे एलिफेंट्स के इंपॉर्टेंट एनुअल प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का तो इस प्रकार के क्राइम्स में भी सी इन्वेस्टिगेशन करता है सी ह्यूमन राइट्स का भी ध्यान रखता है सी आर्ट एंड और हेरिटेज में जो गलत प्रकार का ट्रेड होता है उसका भी ध्यान रखता है साइंटिफिक टेम्पर लेके आना ह्यूमनिज्म लेके आना स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी लेके आना रिफॉर्म लेके आना एक्सीलेंस लेके आना अपने काम में प्रोफेशनलिज्म लेके आना हाई लेवल ऑफ एंडीवर एंड अचीवमेंट भैया ये सब अच्छी अच्छी बातें करना सी का, का काम है ये सब हर ऑर्गेनाइजेशन करने की कोशिश करता है अब कितना हद तक कर पाता है वो एक अलग बात है सीबीआई के ऊपर समय समय पे नाना प्रकार के गलत प्रकार के इल्ज़ाम लगे हैं बट चलिए उसमें घुसना हमारा काम नहीं है हमारा काम बस ये समझना है कि लक्ष्मीकांत में या फिर ओवरऑल सी बी काम कैसे करता है इस चीज को हमें समझना है तो आप बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सी की सीबीआई जब उन्नीस में सेटअप किया गया एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी आज की डेट में भी वो अटैच ऑफिस की तरह ही काम कर रहा है वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव बॉडी है तो ओरिजिनली जब 1963 में सीबीआई बना था उसमें कितनी डिवीजन थी ये डिवीजन थी छह डिवीजन पहली डिवीजन थी इन्वेस्टिगेशन एंड एंटी करप्शन डिवीजन जिसको बोला गया दिल्ली स्पेशल पुलिस पुलिसमेंट अब आप समझ गए ना ये दिल्ली स्पेशल पुलिस नोसबलिशमेंट क्या है ये दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट में पुलिस ऑफिसर्स ही होते हैं ये पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन और एंटी करप्शन डिवीजन में काम करते हैं और इसी इन्वेस्टिगेशन और एंटी करप्शन डिवीजन को दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट बोला गया है उन्नीस में ये नाम था फिर टेक्निकल डिवीजन होता है इसमें क्राइम रिकॉर्ड्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिवीजन होता है रिसर्च डिवीजन होता है लीगल एंड जनरल डिवीजन होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन होता है अब ये तो उन्नीस का है तिरसठ के बाद से अब तक सीबीआई के काम करने के तरीके में बहुत से चेंजेस आए हैं तो अभी के लिए ये जो छह डिपार्टमेंट्स है इनको रीऑर्गेनाइज करके दो में क्या कर दिया गया है तो कौन कौन से डिवीजन आते हैं सीबीआई के अंदर एंटी करप्शन डिवीजन इकोनॉमिक ऑफेंसिस डिवीजन स्पेशल क्राइम्स डिवीजन पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मैंने बताया था ना डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यून के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो देखिए जाके वहां पर मैंने आपको बताया है तो अब ये सात डिपार्टमेंट्स आते हैं स्पेशल है। दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट के ऑफिसर इन्हीं डिपार्टमेंट्स में बटे हुए हैं इसलिए दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट और सीबीआई को आप अलग अलग मत समझिएगा ठीक है ना भाई

बहुत सारे डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और जो दूसरी रैंक्स होती हैं पुलिस पर्सनल की जैसे कि इंस्पेक्टर हो गया सब इंस्पेक्टर हो गया सब इंस्पेक्टर की जो तो रिक्रूटमेंट भी एसएससी से होती है अगर आपने कभी एसएससी एस का पेपर दिया हो तो सी में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली है समझ गए तो भाई अलग अलग लेवल्स पर सी में अपॉइंटमेंट होती है ठीक है भाई जो डायरेक्टर होता है सी का

साइंटिस्ट हैं और 250 सौ पचास लॉ ऑफिसर्स ऑब्वियसली फॉरेंसिक साइंटिस्ट तो होंगे ही क्राइम पेट्रोल देख रखा हो सावधान इंडिया देख रखा हो तो कहीं पे भी क्राइम सीन में सबसे पहले कौन पहुंचेंगे फॉरेंसिक वाले पहुंचेंगे वो देखेंगे जाके भैया क्राइम को रीड करने की कोशिश करेंगे ठीक है इंपॉर्टेंट एविडेंसिस को निकालेंगे तो भाई सीधे सीधे फॉरेंसिक साइंटिस्ट काम करते हैं सी में ठीक है भाई फिर आगे बात करते हैं यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है विद द एनेक्टमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट दो

दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अगर करप्शन से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है ऐसी कोई चीज़ आ रही है जहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 लागू हो जाता है तो वहाँ पे केवल सीबीआई बी नहीं करेगा वहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का भी सुप्रिंटेंडेंस आ जाता है ठीक है भाई तो सी एक्ट दो क्या बोलता है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू ये जो दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट बना है वो उसमें जितने भी केसेस हैं उसके ऊपर सीबीआई का आप कह सकते हो सुपरिटेंडेंस होगा लेकिन वो केसेस जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 से डील करते हैं जो कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट अगर चार्जेस है करप्शन के उससे डील करते हैं तो ऐसे केसेज में किसका यहाँ पे प्रोगेटिव आ जाएगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का प्रोरोगेटिव आ जाएगा ये याद रखिएगा उसके बाद अगर आप सीबीआई के डायरेक्टर की बात की जाए तो इनको सिक्योरिटी ऑफ टेनर दिया गया है दो साल का मिनिमम टेनर दिया जाता है सीबीआई के डायरेक्टर को ओके किसके थ्रू सीवीसी एक्ट 2003 के थ्रू फिर अगर आप बात करिए तो सीवीसी एक्ट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर द सिलेक्शन ऑफ मैकेजम से सीबीआई भैया एक्ट में ही लिखा हुआ है कि सीबीआई के डायरेक्टर को किस प्रकार से चुना जाएगा और सीबीआई के अंदर एसपी के रैंक के ऑफिसर को चुनना है उससे ऊपर के ऑफिसर को चुनना है तो उसको कैसे चुना जाएगा एसपी के रैंक के ऊपर के ऑफिसर को को कैसे कैसे चुनना है ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था फिर से अभी बताऊंगा डायरेक्टर ऑफ सीबीआई चुना जाएगा सबसे पहले ये देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है बाई डायरेक्टर ऑफ सीबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट जब डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को अपॉइंट करती है तो एक कमिटी के रिकमेंडेशन पर अपॉइंट करती है ठीक है भाई इस कमिटी में कौन कौन होता है ये तीन मेंबर की कमेटी होती है उस तीन मेंबर कमेटी में ये जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इसको इग्नोर कर दीजिए ठीक है डोंट लिसन टू दिस टैक्स कौन सी तीन मेंबर की कमेटी होती है जो कि सी के डायरेक्टर को अपॉइंट करती है उस कमेटी में एक तो होते हैं भैया प्रधानमंत्री साहब तो प्रधानमंत्री उस कमेटी को चेयर करते हैं ऑबियसि बात है उस कमेटी में होंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा और उस कमेटी में होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा नाम मतलब नॉमिनेटेड एक सुप्रीम कोर्ट के जज तो भैया सीबीआई को जो अपॉइंट करने वाली ये कमेटी है इस कमेटी में तीन मेंबर्स हैं एक तो खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि उस कमेटी को चेयर करेंगे दूसरा लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा होगा इस कमेटी में तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेटेड कोई सुप्रीम कोर्ट का जज ये तीन लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि भैया सीबीआई का डायरेक्टर कौन बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा फिर सीबीआई के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया तो यहां पे भी पहले एक और होता है लोकपाल यह और, और लोकायुक्त एक्ट दो हजार तेरा के अंदर अगर किसी के अगेंस्ट भी कोई इल्जाम लगाया गया है तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना उसको प्रोसिक्यूट करना यह काम है इस डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का तो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइड सीबीआई और इसीलिए जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में डायरेक्टर होगा जो उसको हेड करेगा ये ऑफिसर की जो पोस्ट है ना वो सेक्रेटरी के नीचे की रैंक की नहीं होनी चाहिए सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ तो इंडिया होना चाहिए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन तो कल की डेट में जब आप एक सीनियर ऑफिसर बन जाओगे और हो सकता है कि नॉर्थ ब्लॉक में आपकी पोस्टिंग हो रखी हो तो सरकार अगर आपसे खुश हो तो आपको डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में डायरेक्टरी बना सकती सीबीआई में ठीक है भाई तो ये जो ज्वाइंट के लेवल का, 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 का जो ऑफिसर होगा वो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का जो डायरेक्टर है ये किसके सुपरविजन के अंदर काम करेगा ऑब्वियसली सीबीआई के डायरेक्टर को रिपोर्ट करेगा इसको अपॉइंट कौन करेगा डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के डायरेक्टर को तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको किसके कहने पर अपॉइंट करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा कहने पर अपॉइंट करेगी मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का जो डायरेक्टर है उसका अपॉइंटमेंट कैसे हो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट इस डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करेगी याद रखिएगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करेगी और वो जब ऑफिस में आएगा तो दो साल के लिए ऑफिस को होल्ड करेगा और याद रखिएगा अगर आपको सीबीआई के अंदर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक के ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करनी है या फिर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से ऊपर के रैंक के ऑफिसर की आपको अपॉइंटमेंट करनी है तो उसके लिए एक कमेटी की रिकमेंडेशन की जरूरत है और उस कमेटी में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा एज अ चेयरपर्सन विजिलेंस कमिश्नर्स होंगे सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्ट्री होगा यानी होम मिनिस्ट्री में जो सेक्रेटरी है और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल में जो सेक्रेटरी है ये सब होंगे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल के सेक्रेटरी की क्या जरूरत है चूंकि ये जो सीबीआई है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग के अंदर तो आता ही है तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल का तो सेक्रेटरी होना जरूरी है ही भाई और होम मिनिस्ट्री का भी सेक्रेटरी होना जरूरी है होम मिनिस्ट्री के अंदर इनिशियली सीबीआई बना था तो भाई बड़े आला लेवल के जो ऑफिसर हैं एसपी पी एस से ऊपर के जो ऑफिसर हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो एक कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से होगा डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे होगा और भैया सीबीआई के डायरेक्टर को तो खुद प्रधानमंत्री साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोई दूसरे जज बैठ के अपॉइंट करेंगे तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है यहाँ पे ये सीबीआई ये छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है भाई समझ गए उसके बाद दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट ये जो एक्ट था 1946 का इसमें 2014 में कुछ चेंजेस किए गए मैंने अभी भी आपको बताया कि सीबीआई के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री साहब होने चाहिए कमेटी में लीडर ऑफ द अपोजिशन होना चाहिए लोकसभा का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर एनी जज नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये तीन लोग होने चाहिए अभी संविधान में अपोजिशन का लीडर होने के लिए एक डेफिनेशन दे रखी है कि कोई भी अपोजिशन पार्टी अगर है तो उसके पास कम से कम दस परसेंट सीटें होनी चाहिए उस पर्टिकुलर हाउस की लेकिन मान लीजिए ये चेंजेस कर दिए गए दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट दो के थ्रू कि मान लीजिए अपोजिशन में कोई भी पार्टी के पास दस सीटें नहीं है तो ऐसे केसेस में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी ना उसके लीडर को लीडर ऑफ द अपोजिशन मान लिया जाएगा ठीक है भाई तो यहां पे हमने कंपोजिशन ऑफ सीबीआई देखा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शंस ऑफ सीबीआई प्रोविजन ऑफ प्रायर परमिशन को देखेंगे उसके बाद हम लोग सी बी आई वर्सेज स्टेट पुलिस की बात करेंगे सी बी आई अकेडमी की बात करेंगे और फिर ये सी बी आई नाम का चैप्टर खत्म हो जाएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग डे गुड बाय वीडियो को लाइक और कमेंट किए बिना मत